हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के लिए में स्टार्टिंग है, जिसमें हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो फर्स्ट, ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, कैसे हम उस पर वर्क करते हैं, तो इसको देखेंगे। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है? आ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर विद रिटन कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इस कॉल्ड अ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट क्या है? ये पेपर ऑफ रिटन कंटेंट है, जिसको हम किसी प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करते हैं डॉक्यूमेंट पे, दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द कंटेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड और टू बी यूज एज अ एविडेंस। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हमें होती है कि हम किसी कंटेंट्स को लॉन्गर पीरियड तक सेव कर सकते हैं और उसका यूज हम एज अ एविडेंस भी कर सकते हैं। तो दैट इज द डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। द डॉक्यूमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, रिपोर्ट्स, थीसिस, मैनुस्क्रिप्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड प्रोसेस द स्किल्स द यूजर ऑफ हिज प्रोडक्टिविटी टूल्स विद अ गुड टाइपिंग स्पीड। अब क्या होता है कि जब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को हम अभी तो हमने सिंपल आपको बताया व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि आप डिजिटली फॉर्म में आप इसका यूज जब करें तो आप कैसे करते हैं कि आप सिस्टम के ऊपर आपने किसी भी फाइल को सेव की, टाइप किया, लेटर्स बनाए और उसमें आप जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन कंटेंट्स यूज करते हैं उन कंटेंट्स का आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर कोई स्टूडेंट इस एंट्री ऑपरेटर टाइपिंग स्पीड उसकी अच्छी है तो फिर उस काम को वो कर भी सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर शुड प्रोसेस द स्किल्स टू यूज द ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स विद अ गुड टाइपिंग स्पीड। ऑल दो टाइपिंग स्किल इज द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर द डाटा एंट्री ऑपरेटर। टाइपिंग स्किल मस्ट है किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जो कि एक लिटिल केयर हैज़ टू बी टेकन वाइल यूजिंग द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अ टाइप इज यूज टू हिट द स्पेस बार अ नंबर ऑफ टाइम्स टू अरेंज द टेक्स्ट। अ टाइप इज के स्पेस बार को कितने टाइम्स वो हिट करता है कि आपका टेक्स्ट अरेंज हो सके। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंप्यूटर में आप यूज करते हो स्पेस बार को, दैट इज ऑटोमेटिक फीचर्स फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग आर अवेलेबल। आपको लगता है कि ऑपरेटिंग एंड एडिटिंग और फॉर्मेटिंग फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है, जिसका यूज आप यहाँ पे कर सकते हो। वर्ड प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू एंटर, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। द डॉक्यूमेंट कैन बी लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा। दीज आर द फीचर्स ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कि आप इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप एंटर कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो और डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हो। द डॉक्यूमेंट कैन बी अ लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेट्रा। अब आते हैं व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है? वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मटेरियल। इन द बिगनिंग वर्ड स्टार वॉज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? हमारे एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसका यूज हम प्रिंटेबल मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए हम करते थे। स्टार्टिंग में जब वर्ड प्रोसेसर स्टार्ट हुआ था तो उस समय सबसे पहले वर्ड स्टार नाम से एक ऑफिस सॉफ्टवेयर था, जिस पे हम वर्ड जो जिसको हम कहते हैं आज के टाइम में एमएस ऑफिस 10 16। वैसे ही सबसे पहले जो था वो था वर्ड स्टार। तो इसके अलावा भी कई सारे ऑफिस आए हैं जिसमें हम इस पर वर्क करते हैं और काम करते हैं, तो जिसमें कई लिमिटेशंस होती थी। लिमिटेशंस यूजिंग अ टाइपराइटर व्हिच आर गिवन बिलो, इन केस ऑफ एनी टाइपिंग एरर द होल शीट इज रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड अगेन। अगर पहले किसी में टाइपिंग एरर आती थी तो आपको पूरी शीट को दोबारा टाइप करना पड़ता था। टू सेंड द सेम लेटर टू टू और मोर पर्सन विद द डिफरेंट एड्रेस रिक्वायर्ड मल्टीपल टाइपिंग एफर्ट। अगर हमें किसी एक से और एक से ज़्यादा पर्सन को सेम लेटर को सेंड करना है तो हमें कई बार उसको टाइप करना पड़ता था मल्टीपल टाइम्स,
ये एफर्ट भी हमारे ज़्यादा लगता था। टाइपराइटर डज नॉट हैव ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टर्स और सिंबल्स। टाइपराइटर के अंदर आपको कैसे कैरेक्टर और सिंबल्स अवेलेबल नहीं होते जो कि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएंगे। इट इज़ नॉट द पॉसिबल टू टाइप ऑल द कैरेक्टर्स यूज इन द टाइपराइटर। दिस आर द कंपेरिजन ऑफ बिटवीन द टाइपराइटर्स एंड वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, गेट स्टार्टेड विद द वर्ड प्रोसेसर। हम क्या कहते हैं, हमने आपको वर्ड MS ऑफिस बताया है, ऑफिस 10 बता रखा है, 16 बता रखा है। अब हम आपको जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है लिबर ऑफिस पे, क्योंकि लिबर ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, फ्री ओपन सोर्स है, आप इजीली ऑनलाइन इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से, जो कि कई सारे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसमें से आप कई सारे रिपोर्ट भी बना सकते हो, जिसमें सबसे ये कह सकते हैं कि आपकी बुक के अंदर भी लिबर ऑफिस पे ही दे रखा है, इसलिए मैं आपको लिबर ऑफिस पे ही बता रहा हूँ। और आज की वीडियो में सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि लिबर ऑफिस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कैसे करते हैं और उसके बाद उस पर कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसका यूज आप कर सकते हो। तो देखते हैं, एक तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, दूसरा ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स को हम कहते हैं फॉस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विद रिच फीचर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स इसके अंदर वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आपको मिलेंगे। सम वर्ड प्रोसेसर आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रीली ऑन द वेब। कुछ और जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं जो आपको वेब पे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिसको आपको पेड करने की जरूरत नहीं है, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू डाउनलोड द लेबर ऑफिस। लेबर ऑफिस को हम डाउनलोड कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं लेबर ऑफिस को कैसे डाउनलोड करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं क्रोम को, क्रोम हमने ओपन किया। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं सिंपल गूगल। ठीक है, आपके पास स्पीड अच्छी आनी चाहिए तो आप इस सॉफ्टवेयर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या टाइप करेंगे, लिबर ऑफिस। ठीक है, लिबर ऑफिस हमने टाइप किया, देखिए आपके सामने इस तरीके से एक लिंक आ जाएगा, जिस लिंक पे आप क्लिक करेंगे एक साइट है www.liberoffice.org। यहाँ पे दे रखा है डाउनलोड ऑफिस, डाउनलोड लिबर ऑफिस। तो हम क्या करते हैं, क्लिक करेंगे, डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे इसको। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके सामने दे रखा है डाउनलोड लिबर ऑफिस फॉर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखिए कंपेरिजन में दो दे रखे हैं, लेबर ऑफिस 6.4.3, दूसरा लेबर ऑफिस 6.3.6। मेंशन है दिस वर्जन इज स्लाइटली ओल्डर एंड डज नॉट हैव द लेटेस्ट फीचर, बट इट हैज़ बीन टेस्टेड फॉर लॉन्गर फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, वी स्ट्रांगली रिकमेंड सपोर्ट। ये लेबर ऑफिस की तरफ से दे रखा है कि ये स्लाइटली ओल्डर वर्जन है। ओपर जो 6.4.3 दे रखा है ये लेटेस्ट वर्जन है, जो भी आपको डाउनलोड करना है। ये लिंक दे रखा है डाउनलोड का, इस पर आप क्लिक करेंगे और साथ में आप चॉइस भी कर सकते हैं कि चूज भी कर सकते हैं कि ऑपरेट किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको डाउनलोड करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जनरली सबके पास विंडोज ही रहता है, वो भी डिपेंड करता है कि 64 बिट है और 32 बिट की और विंडोज है। तो आप जो भी विंडोज है उसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 64 बिट है मेरे पास, तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ही क्लिक किया, देखिए नीचे लिंक आ गया है, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप कॉर्नर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखिए लिबर ऑफिस आपका डाउनलोड होना शुरू हो गया। आप क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। ये देखिए लेबर ऑफिस 6.4.3 with 64 bit। क्या कहते हैं, फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पे आपको शो कर रहा है फोल्डर में लेबर ऑफिस। हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने इसमें ऑप्शन आ रहा है, देखिए अब हमें यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट पे जाएंगे। क्यों, ऑलरेडी मेरे पास है सिस्टम तो मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करके वापस जाएंगे। ठीक है, देखिए ठीक है,
इंस्टॉल होना शुरू हो गया सिस्टम के अंदर। देखिए दोबारा, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। हम चलते हैं कि हमारी ऑफिस इंस्टॉल हो गया है तो कहाँ पे है वो देखते हैं हम इसे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे। ये देखिए लेबर ऑफिस का ऑप्शन आ गया है आपके पास। अब आप क्या करते हो, नीचे जाके यहाँ से लेबर ऑफिस 6.4 ऐड करोगे और आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे है लेबर ऑफिस, राइट है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। कहाँ गए थे हम, यहाँ पे लेबर ऑफिस राइट है, क्लिक करेंगे लेबर ऑफिस पे और यहाँ पे इस राइटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है।